जैसा कि भी आपने देखा है कि मैं मॉडम चेंज हो रहा है एयरटेल का, मतलब पहले नोकिया कंपनी का रहा था, लोकल था, तो अब जो है एयरटेल एक्सट्रीम का मॉडम लग रहा है। कुछ रेंज की प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्ट भी नहीं होता किसी किसी डिवाइस में नेटवर्क, तो भैया जी लगा रहे हैं, तो वो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप्स दिखाया था, तो एक बार पूरा सेट हो जाए घर का मौका मिला तो भैया से भी आपकी बात करा देंगे। गाइस ओटीपी आ गया है, ओटीपी डाल दिया है, कॉन्फिगर किया जा रहा है, कॉन्फिगर करने के बाद देखेंगे हो गया सब कुछ इंस्टॉल, भैया ने कर दिया है, थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। अभी मॉडम जो है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इसको भैया फ्रंट फेसिंग में करेंगे और काम तो बढ़िया हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। अच्छा ये 4G और 5G का थोड़ा फर्क बताइए मेरे को, आपकी 4G में 66 कुछ दिखाता है स्पीड और 5G में 100 दिखाता है, ऐसा क्यों? जो हमारी कंपनी का राउटर है और डुअल बैंड है, डुअल बैंड राउटर, डुअल बैंड मींस एक 2.4 GHz होती है, उसमें क्या होता है स्पीड होती है और 20-40 Mbps हमारी कमिटमेंट होती है और उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होता है 5G में 2.4 की नॉर्मल वाले हैं, और 5 GHz का होता है कि उसमें रेंज कम होती है या स्पीड ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपका अगर प्लान 200 का है तो 200 स्पीड हमारे 5 GHz पे आएंगे। अच्छा जी, ये डिफरेंस है 5 GHz एंड 2.4। आप इसको वैसे इसको कर लीजिए एडजस्ट थोड़ा। थैंक यू।